अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं कर रही थी आज ग्राफ्टिंग के लिए हमें चाहिए क्या होता है, मेन एक रूट स्टॉक चाहिए होता है, एक पग चाहिए होता है, ठीक है, और धागा चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है, इस तरह के बैग्स जिनमें आप फिर इनको डाल के रख सकें, ठीक है। तो वो किस लिए होते हैं कि इनका जो मॉइस्चर है ना वो उड़े ना, और ना उड़े, और ग्राफ्टिंग के सक्सेसफुल होने के चांसेस जो ज़्यादा से ज़्यादा रहें, ठीक है, इसलिए ये हम लोग यूज़ करते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये लगे हुए हैं और इस तरह लगा हो आपका रूट स्टॉक, आप पहले उसे रूट करा लें और बाद में ऊपर उसके ग्राफ्ट करें, इस तरह उसके ऊपर बैग लगा लें। अच्छा जी, तो मैं ये लेके आई हूँ रूट स्टॉक फ्रेश काट के, तो अभी करते हैं इन पे काम। तो पहला काम आपने क्या करना होता है, आपने देखना होता है ये स्ट्रेट है या नहीं है, ठीक है, और अगर बड़े हैं और आपके जो मतलब और ज़्यादा नहीं है, आपके पास रूट स्टॉक ग्रो नहीं हुए हैं, तो आप इनके पीसेस कर लें, जैसे मैंने किए हैं छोटे छोटे पीसेस, तो खुद ही वो इतने बड़े हो जाएंगे जब तक ये बड़े होंगे, ठीक है, वरना अब इतना सा जो है ना सायोन कह लें, इसको सायोन कहते हैं और इसको रूट स्टॉक कहते हैं, ठीक है। और क्या मैं इनके दो पीसेस कर लूँगी, ठीक है, और अगर टेढ़ा हो तो आपने ये उसका भी ख्याल रखना है, क्योंकि हम मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ अभी, तो कि मैं टेढ़े रूट स्टॉक पे उसको ग्राफ कर सकूँ कैक्टस को। फिर क्या करना होता है ये, ठीक है, ये हो गया, अभी कोई सा भी पग लें आप और उसको ग्राफ्ट कर लें, ठीक है। मैं करूँगी इसको ग्राफ्ट, मैंने मेगा क्लोकाइड में इसको और इसको भिगो के रखा हुआ था, इसके ऊपर लगे हुए हैं स्केल, ठीक है, तो काफ़ी इन्फेस्टेड हुए हैं, तो इसलिए मैंने रखा हुआ था इनको ना साइड पे। तो अब इनको भी करते हैं ग्राफ, क्योंकि ये पोर्शन उतर ही जाएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो बाद में देखी जाएगी। तो इसको भी उतना ही कट करना है, ठीक है, कि इसका ये वाला जो रिंग है वो दिखना शुरू हो जाए, एक तो ये आउट ऑफ फोकस होता है जब ज़रूरत होती है इसकी, ठीक है। और बस इसकी सर्फिस आपने ठीक कर लेनी है, कांटे इसके भी हटा लें अगर कोई तंग कर रहे हैं तो, ठीक है, ये देखें जी रिंग क्लियर हो गया है, ज़्यादा काटने की इससे ज़रूरत नहीं है इसके आगे। और ये हमारा तैयार है रूट स्टॉक, इस पर हम इसको पहले मैं इसको क्लियर कर ही लूँ, तो मुझे इसको वो दिख रहे हैं हेरी हेरी से ना, तो चलो ये हो गया, अभी ये क्लियर है, अभी ये देखा ये मिडल में नहीं है इसका रिंग, तो अब हम क्या करेंगे इसको उसी हिसाब से रखेंगे, ये रूट स्टॉक पे ना आए बेशक स्ट्रेट, कोई मसला नहीं, आपने देखा भी होगा कई होते हैं इस तरह ग्राफ्ट किए होते हैं वो टेढ़े लगे होते हैं,
वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि उनका जो रिंग होता है वो मिडल में नहीं होता है। ये रिंग है, कोई मसला नहीं जब तक आपने इसको धागा नहीं बांध दिया। फिर से आप इसको रखें इधर और ऊपर से प्रेस कर दें और ये रिंग है और ये दूसरा आपका रिंग है। अभी हिलने नहीं देना, ठीक है? इस प्रोसेस के दौरान इसको बिल्कुल नहीं हिलने देना। और अब इस साइड से इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से आपने करना है फिक्स। हो गया, अब ये फिक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये पैकेट लेंगे और इसमें इसको डाल के रख देंगे वीक दो वीक के लिए, ठीक है? इसके बाद हम इसको चेक करेंगे। वीक दो वीक तक आपने बिल्कुल इसको नहीं छेड़ना है। दो वीक दे दें, तीन वीक दे दें, उसके बाद आप इसको देखें। और नहीं हुआ सक्सेसफुल, कोई मसला नहीं है, उतार के फेंक दें, नया ग्राफ्ट कर लें उस पर। और किसी तरह होता है, कोई इंसान पहली बार मुश्किल से सक्सेसफुल होता है। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये छोटे छोटे किए हुए पीसेस, ठीक है, मेरे पास ज़्यादा नहीं थे रूट स्टॉक इस वजह से। और ये भी हो गया, इसको भी मैं अभी बैग में डालती हूँ। और ये लगती ये है और ये पहले वाला रूट स्टॉक है जो मैंने इधर से निकाला है और उसको भी मैंने ग्राफ्ट कर दिया और पैकेट में रख दिया। इसी तरह ये भी जो इस तरह हो जाते हैं, ये एक्चुअली वो पग थे जो मैंने रूटिंग के लिए लगाए थे और वो रूट नहीं किए थे। ये ग्राफ्ट हो गया है, जी ग्राफ्ट हो गया है, लेकिन इसको ग्राफ्ट हुए भी तकरीबन दो हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं और ये ठीक नहीं हुआ है। इसको मैं उतार के फेंक दूँगी, ठीक है? अभी ये रूट कर गए दोनों, अब क्या करें? ज़ाया तो नहीं कर सकते ना, फिर क्या करेंगे? इनकी सरफेस को फ्रेश कर लेंगे, फ्रेश कट लगाएंगे, ठीक है? ये स्ट्रेट सरफेस होनी चाहिए। अभी हम इसको ग्राफ्ट करेंगे, ये वाले को ना इतना ही काटना है कि इसका जो रिंग दिखना शुरू हो जाए, ठीक है? इसका रिंग बड़ा लाइट सा है। ये है इसका रिंग, थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि उसके पास एक चैलेंज। पहले मैं इसको धो लूँ, इसकी रिंग को इस रिंग के साथ जो है वो मैच करेंगे। थोड़ा ग्लू जा सकते हैं, तो ये बड़ा ग्लूई सा कैक्टस है। चलो ये हो गया,
मत। अब इसका रिंग जो है वो काफ़ी वाजिया दिख रहा है और इजी है भी और ये भी कह सकते हैं नहीं भी है, तुक्का लगने वाली बात होती है, लेकिन कुछ बातों का ख्याल रखना होता है इसमें भी, फिर ही तुक्का सही लगता है। तो ये भी हो गया। तो जी इसको मैं बाद में करूँगी ग्राफ, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। और वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ आई हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, और दुआ में याद रखिएगा।